हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुख्य आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती अब धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट रही हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री के कई लोगों का साथ भी रिया को मिल रहा है। जिम जाने जैसे डेली रूटीन से लेकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने तक, नए घर की तलाश से लेकर पार्टी करने तक रिया मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में रिया को परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान रिया के साथ उनके पापा इंद्रजीत और भाई शौविक नजर आए। इस पूरे परिवार को एक साथ देख मीडिया इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर करने लगी कि तभी नजर पड़ी रिया के टॉप पर लिखे स्लोगन पर। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई रिया ने व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। इस व्हाइट हुडी पर लिखे स्लोगन के जरिए रिया ने सभी को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। इस पर लिखा था मैन अप, यानी कि मर्द बनो। जाहिर है रिया के स्टॉप पर लिखे स्लोगन के अब अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि रिया ने अपने हेटर्स को जवाब दिया है, जबकि कुछ लोग इसे बस एक स्लोगन ही बता रहे हैं और बाकी लोगों को इस पर ज्यादा ना सोचने की सलाह दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, रिया और उनके टॉप पर लिखे स्लोगन काफी सुर्खियों में रहते हैं। आपको याद होगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, उस वक्त भी रिया ब्लैक कलर के टॉप में नजर आई थी, जिस पर भी ऐसा ही तंज कसने वाला स्लोगन लिखा हुआ था। रिया के टॉप पर लिखा था, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। रिया के इस स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए उनके फ्रेंड्स समेत बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारों ने कई पोस्ट साझा किए थे। इस स्लोगन का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि वो सब रिया के साथ हैं। एक बार फिर रिया का स्लोगन वाला टॉप अब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इस हाई प्रोफाइल केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया को लेकर तमाम आरोप लगाए गए थे। सुशांत के परिवार समेत उनके दोस्तों ने रिया को उनकी मौत का जिम्मेदार बताया था। हालांकि इस मामले में लंबे वक्त से जांच चल रही है, नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है। रिया और उनके भाई शौविक न्यायिक हिरासत में रहकर भी बाहर आ चुके हैं। बहरहाल, अब इस स्लोगन के साथ रिया वाकई में हेटर्स को मैसेज देना चाहती थी या फिर ये बस ऐसे ही था, ये तो वही जाने। लेकिन इसके चर्चे अब हर तरफ हो रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।